माला 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक ऊंची से बना है। तो एक अर्धगोला दिया हुआ है, इस टाइप का अर्धगोला है और अर्धगोला का व्यास है 14 सेंटीमीटर जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7। तो इधर नीचे भी कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ भी नीचे भी 7 और इधर भी 7। अब क्या कहता है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है, ये बेलन। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? ये पूरा ऊंचाई है 13, ये नीचे वाला हो गया 7, तो ऊपर वाला क्या होगा? 13 में 7 घट गया, कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ऊपर वाला आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो उसी को लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी बतलाएं, पूरे में से 13 में से 7 घटा देंगे 6 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन और अर्धगोले को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh जोड़ अर्धगोले का 2πr स्क्वायर, 2πr, 2πr को कॉमन ले लेते हैं क्या बच्चा, h जोड़ 2πr को बाहर निकाल देते, एक r बच गया, तब 2 के 2, पाई का मान 22 फिर 7, r, r का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7, कोष्टक के अंदर h का मान है 6, r का मान है 7, 7 कट गया, तो बच्चा क्या 22 गुना 2 44 गुना 6 और 7 को जोड़ दे 13, 44 और 13 को गुना कर दे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस बर्तन का कुल पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, धन्यवाद।